सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग, वो भी सिंपल और इजी स्टेप में। तो वीडियो फुल वॉच करना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मुझे इंस्टाग्राम में आप लोग फॉलो नहीं किए तो जाके फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और देख सकते हैं यहाँ मेरा आईडी है, आप लोग जा सकते हो। और कुछ भी प्रॉब्लम फोटो एडिटिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो डीएम कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने अपना फ़ोटो को यहाँ ऐड कर लिया हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोग पूरा नहीं देखते हो, आप लोग पूरा देखो तभी समझ पाओगे कैसे एडिटिंग होता है। स्टेप बाय स्टेप करूँगा, आप लोग पूरा देखो। तो सबसे पहले इस लाइट वाला टूल में जाते हैं, थोड़ा लाइट एडजस्ट कर लेते हैं, इसका कॉन्ट्रास्ट कुछ इतना माइनस कर देते हैं। उसके बाद इसका हाईलाइट थोड़ा सा माइनस कर देंगे, फिर यहाँ से शैडो इसका बढ़ा देंगे। शैडो बढ़ाने के बाद ब्लैक्स को यहाँ से कुछ इतना माइनस कर देंगे। अपना फ़ोटो के हिसाब से आप लोगों को देख के करना है। कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, कलर ग्रेडिंग। इस वाले टूल में जाते हैं, फिर यहाँ जाने के बाद इसका टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अराउंड 10 के आसपास इसका टेंट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ इतना। फिर इसका वाइब्रेंस कुछ इतना इंक्रीज कर देंगे, फिर सेचुरेशन माइनस कर देंगे। इतना हो जाने के बाद सिंपली मिक्स वाले टूल में जाते हैं। मिक्स वाला टूल में जाने के बाद इस ऑरेंज वाला कलर को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसका लुमिनेंस बढ़ा देंगे, देख सकते हो अपना फेस ब्राइट हो जा रहा है। आप लोग अपना फ़ोटो के हिसाब से रखना है, तो मेरा कुछ इतना रखता हूँ। सेचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कुछ इतना। फिर इस वाले येलो कलर में आते हैं, येलो कलर का सेचुरेशन पूरा माइनस, ह्यू पूरा माइनस देख सकते हो। फिर ग्रीन कलर का ह्यू पूरा माइनस, सेचुरेशन कुछ इतना बढ़ा देंगे। फिर इस ब्लू वाला कलर में आते हैं, ब्लू वाला का ह्यू पूरा माइनस, सेचुरेशन देखते हैं थोड़ा सा बढ़ाएंगे कुछ इतना। फिर इस वाले सियान कलर में आते हैं, सियान कलर में आने के बाद इसका ह्यू को देखते हैं माइनस कर देते हैं थोड़ा, फिर सेचुरेशन भी थोड़ा माइनस कर देंगे। देख सकते हो अभी अपना स्काई में ब्लू टोन आ गया है। बैकग्राउंड में जो कलर है वही कलर को छेड़ना है, तभी फोटो अच्छा एडिटिंग होगा। इतना हो जाने के बाद सिंपली यहाँ से डन कर देंगे, देख सकते हो बिफोर आफ्टर नॉर्मल कलर ग्रेडिंग हो गया है। इसको सेव कर लेते हैं, फिर से यहाँ इनपुट करेंगे फाइनल कलर ग्रेडिंग करने के लिए। एक ही बार में तो नहीं होता है, इसीलिए दोबारा हम लोग को ऐड करना पड़ेगा अपना फ़ोटो को। तो यहाँ से इसको डिलीट करके फिर से यहाँ से ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना फ़ोटो को फिर से ऐड कर लिया हूँ, देख सकते हो। ऐड करने के बाद इस कलर वाला टूल में जाते हैं, फिर यहाँ से इसका वाइब्रेंस थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ इतना। फिर मिक्स टूल में जाते हैं, मिक्स टूल में जाने के बाद बैकग्राउंड में जो कलर है वही कलर का हम लोग छेड़ेंगे। तो येलो कलर है तो येलो कलर का सेचुरेशन ह्यू पूरा माइनस कर देंगे, सेचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ग्रीन कलर का थोड़ा ह्यू पूरा माइनस कर देते हैं। फिर सियान कलर का देखते हैं, सेचुरेशन ह्यू थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फिर सेचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ इतना। इतना हो जाने के बाद सिंपली इस ब्लू वाला कलर को देखते हैं, इसका ह्यू को इसका कुछ इतना रखेंगे, फिर सेचुरेशन इसका माइनस कर देंगे, स्काई थोड़ा सा डार्क करेंगे इसीलिए इसका लुमिनेंस थोड़ा सा माइनस कर देंगे। इतना हो जाने के बाद इस सियान कलर का देखते हैं, लुमिनेंस थोड़ा माइनस कर देंगे, देख सकते हो अभी अपना स्काई थोड़ा डार्क हो गया। इतना हो जाने के बाद सिंपली इसको डन करते हैं। फिर यहाँ से इस कलर बैलेंस टूल में आते हैं, यहाँ आने के बाद इसका शैडो को यहाँ से क्लिक करके इसका सेचुरेशन कुछ इस टाइप से बढ़ा लेना है। फिर देखेंगे कौन सा कलर अपना फ़ोटो में अच्छा लग रहा है। तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है तो ये रखता हूँ। फिर इसका सेचुरेशन थोड़ा सा माइनस कर देंगे, फिर यहाँ से थोड़ा लुमिनेंस माइनस कर देंगे, फिर इसका ब्लेंडिंग थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ इतना। इतना हो जाने के बाद सिंपली देख सकते हो बिफोर आफ्टर कितना अच्छा लग रहा है अपना फ़ोटो। इतना हो जाने के बाद फिर हाईलाइट में जाते हैं,
हाईलाइट में जाने के बाद इसका सेचुरेशन बढ़ा लेंगे, फिर देखेंगे कौन सा कलर अच्छा लगता है अपना फ़ोटो में। तो ये अच्छा लग रहा है, तो इतना कर लेने के बाद इसका सेचुरेशन थोड़ा माइनस कर देंगे। देख सकते हो अभी अपना फ़ोटो अच्छा से अपना फ़ोटो कलर बैलेंस हो गया है, देख सकते हो। इतना हो जाने के बाद फिर इस वाले टूल में आते हैं, इसका क्लियरिटी यहाँ से बढ़ा देंगे ताकि अपना फ़ोटो थोड़ा HDR लुक आ जाए। फिर यहाँ से विग्नेट थोड़ा सा माइनस कर देंगे ताकि एडजस्ट थोड़ा सा डार्क हो जाए और देखने में फ़ोटो और भी कूल लगे, देख सकते हो। फ़ोटो को और थोड़ा डोज एंड बर्न करेंगे, तो इसके लिए इस सेलेक्टिव टूल में जाते हैं। सेलेक्टिव टूल में जाने के बाद एक सर्कल ले लेंगे, यहाँ से प्लस आइकन में जाके कुछ स्टेप से एडजस्ट करके इसको इन्वर्ट करके यहाँ से इस वाले टूल में जाके यहाँ से इसका क्लियरिटी बढ़ा देंगे। देख सकते हो क्लियरिटी बढ़ाने से फ़ोटो और भी अच्छा लग रहा है। फिर इस वाले टूल में जाते हैं, इसका कॉन्ट्रास्ट यहाँ से बढ़ा देंगे, फिर इसका हाईलाइट को देखेंगे थोड़ा सा माइनस कर देंगे कुछ इतना। इतना हो जाने के बाद इसका वाइट थोड़ा सा माइनस कर देते हैं कुछ इतना। इतना हो जाने के बाद इसका एक्सपोजर को थोड़ा सा माइनस कर देंगे। इतना कर लेने के बाद सिंपली यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे, देख सकते हो यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हो अपना फ़ोटो को बिफोर आफ्टर कितना डिफरेंस आ गया अपना फ़ोटो में। इतना हो जाने के बाद सिंपली फ़ोटो में थोड़ा शार्प ऐड करेंगे, तो इस वाले टूल में जाके यहाँ से इसका शार्पनिंग कुछ इतना बढ़ा देंगे। फिर थोड़ा सा मास्किंग कर देते हैं, यहाँ मास्किंग में डबल टैप करके मास्किंग कर देते हैं कुछ स्टेप से। थोड़ा सा नॉइज रिडक्शन बढ़ा देंगे ताकि थोड़ा सा शार्प लगे अपना फ़ोटो। इतना हो जाने के बाद सिंपली यहाँ से जाते हैं फ़ोटो, और सिंपली यहाँ शेयर वाला में क्लिक करके हम लोग अपना फ़ोटो को सेव करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, पर हाँ हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर से फॉलो कर लेना। चलो मिलते हैं।